गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माई चैनल क्रिएटिव नॉलेज। सो आज हम बात करेंगे और डिजी लॉकर ऐप, जो कि काफ़ी यूज़फुल है दोज पर्सन जो अपना सर्टिफिकेट कैरी करके ना रखना चाहते हैं। मतलब हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता है सर्टिफिकेट अपना लेके घूमना, जस्ट लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइव लाइसेंस, इंश्योरेंस का जो भी पॉलिसी। सो एक ऐसा ऐप है जहाँ हम सारे डॉक्यूमेंट को ईजिली रिस्टोर कर सकते हैं अपने ऐप में। सो डिजी लॉकर ऐप इज़ वेरी यूज़फुल फॉर एवरी पर्सन। सो आई रिकमेंडेड करूँगा कि आप लोग डाउनलोड करें, और सारी भी डिजी लॉकर जो भी डॉक्यूमेंट इशू डॉक्यूमेंट करता है आर एट पार विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज़ पर IT एक्ट 2000। ये IT एक्ट के अनुसार सारे डॉक्यूमेंट जो भी है वो ओरिजिनल माने जाते हैं, जो भी डिजी लॉकर पे आप सेव किए होंगे। आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन पे हो गया, या एयरपोर्ट पे हो गया, या कहीं भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, या कहीं भी आपको जैसे ज़रूरत पड़ती है आप शो कर सकते हैं। ये एक्सेप्टेड हो जाएगा। इस पे हम काफ़ी सारा डॉक्यूमेंट इशू कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ आधार कार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी डॉक्यूमेंट है वो हम इस पे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो भी डॉक्यूमेंट है इस पे हम कैरी कर सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन ऑयल, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, जो भी CSC, कॉमन सर्विस सेंटर, नेशनल स्किल इंडिया, जो भी सर्टिफिकेट आपको मिलता है वो भी आप इजली यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सर्टिफिकेट है, LIC का जो भी आप पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, एम्स पटना, सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दो डॉक्यूमेंट इशू किए हैं, फर्स्ट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरा पैन कार्ड वेरिफिकेशन रिकॉर्ड जो भी हमारे पास है। तो हम आपको सिंपली ड्राइविंग लाइसेंस अपना दिखाते हैं, जो कि आपको PDF फॉर्मेट में सेव कर लेंगे और कहीं भी आप इसका यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी इट एंड बैक करेंगे। ये हमारा पैन कार्ड जो कि दिखाते हैं आपको। अभी हम आपको सिंपली अगर कोई भी डॉक्यूमेंट ऐड करना हो तो सिंपली आधार कार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट अफेयर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी व्हीकल टैक्स रिसीट, फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, अगर ड्राइविंग लाइसेंस क्लिक करना सेव करना है आपको तो सिंपली क्लिक करिए। ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे नंबर आपको इशू होगा वो क्लिक करिए। गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, आपको इजिली डॉक्यूमेंट आपका सेव हो जाएगा। सो बैक करेंगे। अभी हमको क्या करना है, सर्टिफिकेट 10th का करते हैं। क्लास मिग्रेशंस, क्लास 10th पासिंग का सर्टिफिकेट करते हैं। ईयर ऑफ एग्जांपल 2016, हमारा तो है 2017। रोल नंबर है 508-2458। गेट डॉक्यूमेंट पेजली क्लिक करते हैं। नो रिकॉर्ड फाउंड, ऐसा क्यों भाई, एक बार फिर ट्राई करते हैं। क्लास 10 पासिंग सर्टिफिकेट, सो पासिंग सर्टिफिकेट तो ये है प्रिंस, 2017 में पास हुआ गया था। सो 8 कुछ इशू होगा, आई थिंक एरर इन क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट, ऐसा क्यों बता रहा भाई। क्या एरर है, क्लिक करते हैं। डोंट नो व्हाट इज द एरर। 12th का करते हैं पहले, देखते हैं 12th का क्या होता है। 12th पासिंग की पासिंग ईयर है 2019 और रोल नंबर हमारा है
5674101 गेट डॉक्यूमेंट। ये तो हो गया इजली, क्लास 12th पासिंग सर्टिफिकेट जो कि, और देखते हैं। यस, देखिए वेरीफाई हो गया, दिस इज सर्टिफाई दैट रोल नंबर के साथ आ गया। अवध नारायण जायसवाल हिंदी, जो कोर सब्जेक्ट भी है हमारा आ गया, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, विद्यालय फ्रॉम सेंट जेवियर्स वितवाटा सजनवा गोरखपुर। बट टेंथ का क्यों नहीं आया भाई, टेंथ का कोई फेक सर्टिफिकेट नहीं मिल गया हमको, सो इसको चेक कराना पड़ेगा फाइनली। सो लेट्स डिजी लॉकर पे हम एक चीज़ और अवेलेबल कर चुके, और भी काफ़ी डॉक्यूमेंट हम इशू करा सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारा टेंथ का नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों, एक बार ट्राई कर दे क्या, बट देखते हैं कहीं फेक डॉक्यूमेंट नहीं ना हो गया हमारा टेंथ का सर्टिफिकेट। सो ऐसे हम काफ़ी सारे सर्टिफिकेट को हम इजीली यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, जो भी हमारा सर्टिफिकेट हुआ, और इस वेरी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि सर्टिफिकेट यूज़ करना काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। सो आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट हो सकता है ये आपके लिए। सो थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज